डियर स्टूडेंट्स, 13 तारीख से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमने इस थंबनेल में जाकर आप देख सकते हैं सारा डिटेल्स हमने दे दिया है, बुक लिस्ट हमने दे दिया है, कैसे चलेगा बता दिया है, मंडे टू फ्राइडे आएगा, 24 घंटे का डेली एक रूटीन आएगा। जो बुक्स हमने बताया है इतना आप कर लेते हैं या कर लेती हैं तो मेरी आशा आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। हाँ, याद रखिएगा कि ये बीपीएससी नहीं है, बीपीएससी में सामान्य अध्ययन होता है, लेकिन आपके दरोगा के अभी जो 1275 का एग्जामिनेशन होगा, इसमें आपका जीके होगा, अधिकतर प्रश्न जीके के होंगे, और जीके करंट अफेयर्स की तरह महासागर है, इसमें कोई एक मैगजीन कोई एक बुक ले लिया तैयारी नहीं हो पाएगी। और अब जब आपका एग्जामिनेशन होगा, बीपीएससी का पैटर्न देख लिया छात्रों ने, आपका भी एग्जामिनेशन आपको याद दिलाएगा कि डेप्थ के साथ समझ करके कुछ टेक्स्ट बुक के साथ आपको पढ़ना होगा। और ये पूरा रूटीन हम आपको लेकर चलेंगे, 24 घंटे का देंगे, बुक्स शानदार हमने बता दिया है, संभव हो तो ले लीजिएगा। हाँ, सबके अपने अपने बुक हैं, कुछ लोग टॉप स्पीड कह रहे हैं, कुछ लोग लुसेंट कह रहे हैं, कुछ क्राउन कह रहे हैं, कुछ अपनी अपनी बुक्स बता रहे हैं। हम देखिए क्लियर कह दें, क्योंकि ये तो प्रचार तो होता नहीं है और हमारा कहीं पर सुप्रीमेसी नहीं है, एक अच्छी बुक हम निकालते हैं, जो सारी अच्छी बुक्स में से एक वो भी अच्छी बुक है, तो वो बुक्स हम निकालते हैं और आपको सजेस्ट करते हैं। अगर सेम बुक लेते हैं तो पेजेस मैच करेगा, नहीं तो आप टॉपिक्स खोजते रहेंगे, टॉपिक्स मिलेगा नहीं, समय बर्बाद होगा। तो संभव हो तो सेम बुक्स ले लीजिए। हमने इस बार एनसीईआरटी को ऐड किया है, एनसीईआरटी में इतिहास को नहीं रखा है, और एनसीईआरटी हमने 9th, 10th, 11th, 12th चार क्लासेस का एनसीईआरटी हम आपको करवाएंगे। पढ़ना आपको है, पढ़ेंगे आप, मेहनत आप करेंगे, और मेरी आशा है कि ये जो एग्जामिनेशन है इसमें किसी भ्रम में नहीं रहना है। इस बार आपके एग्जामिनेशन में भी डेप्थ वाले टेक्स्ट बुक वाले प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा, और ऐसे कम से कम 20-25 प्रश्न रहेंगे जिसमें डेप्थ रहेगा। तो सोच समझ कर चलिए, अच्छे से पढ़िए, और 2 महीने सब कुछ भूल जाइए। एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, और ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन 5 से 7 हो सकते हैं। यूजुअली पिछली बार जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ, इसमें 7 क्वेश्चन थे, पहली सिटिंग में भी 7 क्वेश्चन थे, दूसरी सिटिंग में भी, रीजनिंग और मैथ मिलाकर। इसे समझ लीजिए, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 7 प्रश्न अगर रीजनिंग और मैथ के आते हैं तो ये रिजल्ट आपका निकलवा देंगे। हाँ, डरिए मत, जो मैथ और रीजनिंग में कमजोर है, बिल्कुल 0 है, 0 है, हम आपको इस तरह से गाइड करते चलेंगे, बताते चलेंगे कि यहां पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये एक्सरसाइज बना लीजिए, ये एग्जाम्पल देख लीजिए, डेली रूटीन फॉलो कीजिए। इतने मैथ और रीजनिंग अगर आप बना लेते हैं जो हम आपको देंगे 24 घंटे का, मेरी आशा उम्मीद है कि आप 0 भी हैं तो इतना जरूर आप कर लेंगे या कर लेंगे, जो कट ऑफ पार करने के लिए अनिवार्य होगा। तो डरिए मत, हिम्मत जो है वही हिम्मत आपका रिजल्ट निकलवाता है, और दरोगा के एग्जामिनेशन में तो हिम्मत वैसे ही बहुत चाहिए, क्योंकि केवल पढ़ना नहीं है, अगर रिजल्ट में आना है तो फिजिकल भी स्टार्ट लीजिए, धीरे धीरे चलिए, मौसम भी अच्छा आ गया है, फिजिकल भी स्टार्ट ले लीजिए। अभी सब कुछ स्लो स्टेडी, सोच समझ कर, अच्छे से, समर्पित भाव से स्टार्ट लीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन इतना बड़ा एग्जामिनेशन है जिसमें आपका साल भर के अंदर ज्वाइनिंग आपको दे दिया जाएगा, चुनाव का साल है, याद रखिए, चुनाव से पहले संभवतः आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, तो अगर डबल स्टार चाहिए तो लग जाइए 13 तारीख से, तो विशेष रूप से इस बीच मैगजीन इकट्ठा कर लीजिए, बुक्स इकट्ठा कर लीजिए, माइंडसेट बना लीजिए कि हम अब 2 महीने इधर उधर नहीं देखेंगे, तो गेट रेडी। आइए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पिछली बार फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में 7-7 क्वेश्चन आए रीजनिंग और मैथ के, 4-3, 4-3 का रहेगा रेशियो, अगर 6-7 क्वेश्चन आएंगे। आइए इसे देख लेते हैं, फर्स्ट सिटिंग में मैथ और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आए, आपको तैयारी में हेल्प मिलेगा। जो 2021 दिसंबर में लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था दरोगा का, उसमें किस तरह के 7 प्रश्न रीजनिंग और मैथ के आए थे। देखिए जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उसमें यहां पर आप देख सकते हैं, जो 7 क्वेश्चन थे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। दूसरा देखिए रीजनिंग का आ गया, और रीजनिंग ये क्वेश्चन भी बनने वाला था, बहुत टफ नहीं था, टाइप देख लीजिए। दूसरा मैथमेटिक्स से देख लीजिए, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति शामिल होते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सभी एक दूसरे साथ मिलाते हैं, ये बड़ा ही टाइप क्वेश्चन है, ये एक फॉर्मूले पे बन जाता है, ये सब तैयारी में आप करेंगे, ये सब क्वेश्चन भी बनने वाले होंगे, घबराइए नहीं, आपकी तैयारी ऐसी चलेगी कि इस तरह के प्रश्न भी आप बनाएंगे। अगेन देख लीजिए 55 और 555 के मध्य दोनों छोर के मानव को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं, और इस तरह के क्वेश्चन तो रेगुलर आते हैं जिसमें लुप्त संख्या पूछा जाता है। साथ ही नेक्स्ट देख लीजिए कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देख लिया आपने, इसमें से अधिकतर प्रश्न ऐसे थे थोड़े से प्रैक्टिस से बनने वाले थे। दूसरी पाली के भी 7 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सेकंड सिटिंग में 7 रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आए, 3-4, 3-4 का आएगा मैथ और रीजनिंग का, यही अनुपात रहेगा,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो रीजनिंग का आया, एकदम आसान क्वेश्चन आ गया, तीन तीन का गैप है, नेक्स्ट लेटर पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए एक किस मान के लिए 6a 25, बीच में a का वैल्यू डालना है जो 11 से विभाजित हो जाए। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत ही आसान है रीजनिंग का, इस तरह क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट देखिए, अगेन फिर से आ गया एक लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर है, और एक और देखिए क्वेश्चन आ गया मैथ का, ये बनाने वाला था। और यहां पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग बी से जोड़ा जाए। यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसी भिन्न को इसी नंबर से गुणा करें तो भिन्न कौन सा आएगा। ये भी क्वेश्चन आपने देखा कि 7 में से कम 3-4 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, बनने वाले थे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे, 2-3 क्वेश्चन ही बल्कि जो थोड़ा सा टफ थे, ये आप प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। तो आपको हम फिर से कह दें, मैथ रीजनिंग में अगर आप कमजोर हैं, नहीं बना पाती हैं, या आपने नहीं बनाया पहले, तो घबराइए नहीं, जब हम होमवर्क से चलाएंगे हम आपको डेली कुछ एक्सरसाइजेस देंगे, बनाना आपको है, हम बताते चलेंगे। हाँ याद रखिए कि अगर आर एस अग्रवाल की मैथमेटिक्स रहेगी तो आपका पेज मैच करेगा, नंबर मैच करेगा, आपको सुविधा होगी। और रीजनिंग का हमने अरिहंत का चलाया है, वो भी अगर ले लेते हैं तो वहां पर भी आपका पेज मैच करेगा। याद रखिए इतना बड़ा एग्जामिनेशन है तो क्यों नहीं ये बुक्स लेकर टाइम बचाइए और डायरेक्ट जाइए। ये माता पच्ची नहीं करना है कि हमारे पास वो बुक है, हमारे पास ये बुक है, मिल नहीं रहा है, सर आपने क्या बताया है। और ये होता है, हम तो सदैव चलाते हैं, ये हमारे लिए नया नहीं है, हम हमेशा इस तरह के कोर्सेज चलाते हैं। अलग बुक्स होने पर फिर आपको दिक्कतें आती है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सोचकर चलना है कि इस कोर्स में 2 महीना रम जाना है, जैसे कोई रंगीला रम जाता है, ऐसे इस एग्जामिनेशन की तैयारी में रम जाइए। और फिर देखिए कि 2 महीने की तैयारी के बाद आप ही कहेंगे, हमें पता है पिछले बार जब हमने कोर्स चलाया था तो छात्रों के फीडबैक्स किस तरह के थे। जो मेहनत करते हैं वो रिजल्ट में आते हैं, आपको भी रिजल्ट में आ रहा है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बी प्रिपेयर्ड, बुक्स रखिए, माइंड मेकअप रखिए, अच्छी तैयारी कीजिए, रिजल्ट निकालिए, 2 स्टार्स लगाइए, सारे जहान को बताइए आप क्या हैं, आप क्या थे। टेक केयर।